आपको तुम लोग आते हो यहाँ पे जिम करने? मैं आती हूँ। तुम्हारी रूममेट? मेरी रूममेट कभी कभी आ जाती है। आप देख सकते हो इधर ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सीन है, क्योंकि हमारे यहाँ भी है ऐसा, ग्राउंड में बना रखा है सेटअप, बट ऐसा हॉस्टल के अंदर प्रॉपर रूम में नहीं है, सो आई लाइक दिस। थैंक यू सो मच। अभी तो हमारे डांस रूम भी है। ओह माय गॉड, डांस रूम में आपको लेके चलते हैं। चलो ठीक है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम जा रहे हैं डांस फ्लोर पे, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे चलना पड़ेगा? ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ अभी कुछ फेस्टिवल्स इसमें फेस्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये बॉयज कॉरिडोर है, अंधेरा इधर, पूरा अंधेरा अंधेरा है, सॉरी, क्योंकि तो बॉयज है। ये बॉयज कॉरिडोर है, बॉयज कॉरिडोर है, ऊपर गर्ल्स कॉरिडोर है। बॉयज लोग भी किचन देख सकते हो, दिस इज अ किचन ऑफ बॉयज। सही है, लड़कों ने सफाई रख रखी है, वरना हमें वैसे उम्मीद नहीं होती कि लड़के भी साफ सफाई से रहते होंगे। इधर इंडियन प्लस अदर यूनिवर्सिटीज के भी लाइक स्टेट के। हेलो, चलो चलते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही रहते होंगे? इधर क्लास लगती है, एक्चुअली जो ग्राउंड फ्लोर है इधर फिजिक्स की क्लास लगती है, प्रैक्टिकल्स, और इधर रशियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। ये सिक्योरिटीज है स्टूडेंट के लिए। इधर हमारी फिजिक्स क्लास लगती है, यू कैन सिट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे कुछ बना रखे हैं सेक्शन क्लासेस का। ये तुम्हारे यहाँ पे पूरा विद इन कैंपस वाला माहौल होगा, है ना, कि सब कुछ कैंपस में, कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत है। इधर बहुत दूर क्लासेस नहीं लगती, विद इन 1 किलोमीटर मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में है, बहुत दूर दूर क्लासेस जाती हूँ। दिस ये है रिहर्सल रूम जहाँ डांस होती है। ओके, इस्नो फेस्ट के लिए सेलिब्रेट। कौन सा फेस्ट? इस्नो फेस्ट, कोई बताएगा इस फेस्ट के बारे में क्या होता है ये? इस्नो ये हमारे लीडर्स हैं जो सेकेंड ईयर में भैया। हम इस बार बॉलीवुड को शो कर रहे हैं, हम रूटीन डांस कर रहे हैं, बॉलीवुड में अलग अलग टाइप के फीचर्स है उसमें, वही दिखा रहे हैं। तो ये बच्चे खुद ही कोरियोग्राफी करते हैं सारे? बच्चे हम खुद ही करते हैं, बाकी उन लोग में कुछ अच्छे डांसर्स जो पहले से ट्रेंड हैं वो लोग अपने आप से करते हैं। वी हैव द म्यूजिक सिस्टम आल्सो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम तीनों प्रोवाइड करते हैं समय से पहले, और खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि यहाँ रशियन है, यहाँ प्रोडक्ट भी अलग मिलता है, सब कुछ अलग मिलता है। जो सोचते हैं कि राइस इंडिया जैसा मिल जाए वैसा नहीं होता है, यहाँ राइस मोटा होता है, और आटा, आटे का यही होता है कि थोड़ा बहुत उसमें मैदा मिक्स आता है यहाँ रशिया में, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो सब कुछ इंडिया से ही आता है अपना जो भी मसाला है, और आलू आलू मिल जाते हैं। सर्दियों में यहाँ क्या है, सब्जी का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो सब्जी हम अधिकांश आलू, बीन्स और आपका राजमा, गोभी, मिक्स वेज जो भी है, जितना रेफ्रिजरेटेड लाना पड़ता होगा पूरा है, और तो जो नॉन वेज में अपना सप्ते में 3 दिन नॉन वेज रहता है, 1 दिन बिरयानी रहती है, 1 दिन चिकन करी रहती है, एग रहता है,
और बस ये है कि हलाल वो भी सिस्टम अलग है अपना। अच्छा ये भी हलाल और बेहलाल अलग 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 है। चलो ठीक है मैं मिलता हूँ, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।